हेलो भाई, सीधा मुद्दे की बात करते हैं कि BTST ट्रेड का सेटअप क्या होना चाहिए और कैसे आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक ट्रेड ली थी, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने फ्राइडे के दिन ली थी शाम को और मंडे की सुबह उसको एग्जिट किया, उसके अंदर मेरा लॉस हुआ। उसके बाद मैंने कल मंडे की शाम को एक और ले ली और आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे के मंडे को मैंने उसको निकाल लिया, जहाँ मेरे को थोड़ा प्रॉफिट भी हुआ। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि अगर आपकी स्ट्रेटजी आपने कहीं से सीखा है, सेटअप सीखा है प्रॉपर, और उसके अंदर अगर आपको एक दो बार लॉस होता भी है तो वो आपकी गलती नहीं है। अगर आप किसी कोई सी भी स्ट्रेटजी ए टू जेड उठा कर देख लो, वो 10 में से 3 या 4 बार तो फेल होती ही होती है। काम करता है आपकी एक्यूरेसी और आपका डिस्ट्रीब्यूटर रेशियो। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप सोचते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी बेकार है तो आप गलत सोच रहे हैं। वैसे ही मैं अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी अगर बढ़िया है तो उसमें 3 बार लॉस तो होगा पर 7 बार प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ अपना टेलीग्राम ग्रुप, उसके अंदर ही मैंने सब चीज़ आपको अपडेट करी थी अब की बार। वैसे ये मैं खुद के लिए करता हूँ क्योंकि मेरे खुद के क्लाइंट्स हैं, खुद के मेरा सिस्टम है, मैं खुद के लिए ट्रेड करता हूँ, पर ये चीज़ें मैंने आपके साथ भी शेयर करी है, जो कि एक तरह से पेड सेटअप है, पर फिर भी मैंने आपके साथ शेयर किया क्योंकि मैंने 5-6 बार ट्रेड ली हुई है, मेरा 5-6 बार प्रॉफिट हुआ, पर मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाता। तो आप लोगों की शिकायत आई थी कि भाई एक दो बार तो शेयर कर दिया करो, तो मैंने उसको एक दो बार शेयर किया। एक बार बताते के साथ ही लॉस हो गया तो मेरे को एक और बतानी पड़ी ताकि भाई जो इनका लॉस हुआ हो वो रिकवर भी कर पाए। ठीक है, आइए दिखाता हूँ मैं आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप और बाद में आपको चार्ट पे फिर से लेकर आऊँगा ताकि मैं आपको सेटअप दिखा पाऊँ। ठीक है, ओके, सो 1 जुलाई, यह है 1 जुलाई, मैंने 3:25 के आसपास आपको एक पोस्ट किया था ये कि मैंने एक BTST ट्रेड ली है, बाकी आप देख लें। बाकी आप देख लें से मेरा मतलब ये है कि जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो मैंने खुद की या खुद के बंदों के लिए, इसमें मैंने आपका कोई रोल ऐड नहीं किया है। मीन्स आप अगर ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, या इसको वॉच करना चाहें वॉच कर सकते हैं। सब टारगेट्स टॉप लॉस सब आपका होगा, आपको ही ट्रेड लेनी है, आपको ही देखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 50 क्वांटिटी पुट में ली थी और 100 क्वांटिटी कॉल में ली थी। आपको देख भी पा रहा होगा उस समय 445 बनने थे एक में और 96 बनने थे का लॉस बनना था एक में। मुझे पूरी उम्मीद थी, आपको देख भी पा रहा होगा कि मैंने 100 क्वांटिटी कॉल में ली है, मतलब कि मार्केट गैप अप होने की ज़्यादा उम्मीद मेरे को लगती है। ठीक है जी, कुछ हुआ भी ऐसा ही, पर मार्केट के एंड में आते आते मेरे को लॉस ही हुआ। फिर मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी, इसको आपने आई होप देखा ही होगा। फिर देखो 4 जुलाई को, मतलब कि एक को मैंने ट्रेड ली थी, 2 और 3 की छुट्टी थी सैटरडे संडे, उसके बाद 4 जुलाई मंडे को मार्केट खुला, तो मैंने आपको साफ साफ अपडेट किया था कि लॉस हुआ है, आप उसको एग्जिट कर सकते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी लास्ट फ्राइडे मैंने एक BTST ट्रेड ली थी, मैंने 100 क्वांटिटी कॉल में और 50 क्वांटिटी पुट में ली थी। तो मैंने अभी अभी पुट में से अपनी सारी क्वांटिटी निकाल ली है, थोड़ा सा उसके अंदर लॉस आया है, इट्स ओके। मैंने लगभग 4,000 रुपये के आसपास का लॉस आया है पुट के अंदर, और कॉल के अंदर 3,000 प्रॉफिट बनना, मतलब कि ओवरऑल मेरे पास अभी 1,500 का लॉस चल रहा है, पर मैं इसको अभी होल्ड करूँगा। अब जो मैंने कॉल को बचाया है, मैंने उसका स्टॉप लॉस सोचा है 60 अंक नीचे, मतलब कि 60 अंक नीचे मैं उसको निकाल लूँगा, चाहे मेरे को लॉस तो आएगा ही, तो 60 अंक नीचे मैं स्टॉप लॉस है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की ही उम्मीद है, तो लेट्स सी क्या होता है। मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। हेलो गाइस, सो मेरे को अभी BTST ट्रेड में जो मैंने आपको ट्रेड परसों दिखाई फ्राइडे को मैंने दिखाई थी, उसके अंदर लगभग 5,800 का लॉस हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूँ उसके लिए, अब मैं पैनिक करूँ या फिर मैं अपने आप को दोष दूँ मैंने क्यों ली, ऐसा आपको नहीं करना है ना मेरे को करना है। ये लॉस और प्रॉफिट तो होते रहते हैं, प्रॉफिट जब मेरा होगा तो कम से कम भी 10,000 के आसपास का होगा, अगर इससे कम भी होता है तो मैं छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाऊँगा, पर ऐसे लॉस बार बार नहीं होते हैं। अगर आपका सेटअप बढ़िया है, जो कि मैंने बढ़िया है ही, मैंने आपसे कितनी बार डिस्कस किया है कि इस टाइम पर ऐसे ट्रेड लेनी चाहिए तो आपको प्रॉफिट होगा, सब सेटअप अपने लेवल पर आ गए थे तो मैंने ट्रेड ली थी। पूरा ऑडियो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके सुन सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपना व्यू टाइम बढ़ाऊँ। ठीक है, मैं आपसे कट टू कट बात करना चाहता हूँ। सो मुद्दा क्या है कि उस दिन मेरे को लॉस हुआ, मतलब कि कल मॉर्निंग में मेरे को लॉस हुआ था, मैंने आपको बताया भी कि हाँ मेरा लॉस हुआ है। तो अब आप पैनिक ना करें, इस स्टडी पर भरोसा रखें, मैं तो रखता ही हूँ क्योंकि मैं तो लूँगा भी,
तो आप भी भरोसा रखें ताकि आपको अपनी स्ट्रेटजी पे भरोसा रहे और कॉन्फिडेंस रहे, ठीक है। फिर क्या हुआ, मैंने 3:23 पे मैंने कल कोई ट्रेड नहीं ली, वरना उसको मैं अपडेट जरूर करता आपको इंटरडे की, ठीक है। पर मैं इंटरडे कोई ट्रेड नहीं ली, तो मैं 3:23 के आसपास एक और ट्रेड ली BTST। अब की बार मैंने क्या किया, कॉल में ली 150 क्वांटिटी और पुट में ली 50 क्वांटिटी, ठीक है। और साहब बताया मैंने आपको कि मैंने एक ट्रेड ली है, इस ऑडियो में मैंने बताया कि मैंने एक ट्रेड ली है, आप अपना अपने हिसाब से इसको वॉच कर सकते हैं या फिर दे सकते हैं, ठीक है। आज सुबह 9:24 पे मेरे को उसमें प्रॉफिट हुआ लगभग 6,000 रुपये का, जितने का मेरा लॉस हुआ था उतने का ही मेरा प्रॉफिट हुआ। मतलब कि मैं अपनी स्ट्रेटजी पर बना हुआ हूँ, अभी मैं इसके अंदर अगर महीने में 2-3 बार ट्रेड और लूँगा तो मेरे प्रॉफिट होने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि इस स्ट्रेटजी में क्या होता है, लॉस बहुत कम होता है। इस स्ट्रेटजी में लॉस बहुत कम होता है, होता है तो वो रिकवर करने के लिए मौका देता है, जैसे कि आज दिया। तो सेटअप क्या है, चार्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये है अपना बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है जी। बात करते हैं पहले फ्राइडे के दिन की। फ्राइडे का डे कौन सा था भाई मेरे, मैं एक काम करता हूँ वर्टिकल लाइन से आपको शो करता हूँ। 1 जुलाई और 4 जुलाई, ओके। अब आपको देख पा रहा होगा कि 1 जुलाई का डे कौन सा है, 4 जुलाई का डे कौन सा है। 1 जुलाई का सॉरी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 1 जुलाई को क्या हुआ, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया, मार्केट ने अप ट्रेंड पकड़ा, ठीक है जी। मैंने साफ साफ आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है कि अगर मार्केट अपने डे के हाई के पास आके बंद हो, साथ में कोई रेजिस्टेंस पास में हो या सपोर्ट पास में हो, मार्केट जहाँ भी जाता है अगर नीचे की साइड जा रहा है तो सपोर्ट के पास आना चाहिए, ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस के पास आना चाहिए, ठीक है। और वो अपने डे के हाई पे या फिर डे के लो पे होना चाहिए, तो वहाँ पे एक BTST ट्रेड का मौका बनता है। तो ऐसे ही यहाँ पे हुआ, मार्केट ने यहाँ के यहाँ पे क्लोजिंग दी, यहाँ पे जो कि एक रेजिस्टेंस भी था, मैं आपको दिखाई देता हूँ एक बार, देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी था और मार्केट यहीं पर आया क्लोजिंग दी, तो भाई मैंने ट्रेड ले ली। पर क्या हुआ, मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग दी उस दिन। अब मैं सबको ऑर्डर देता हूँ, ठीक है। अब मार्केट 4 जुलाई को यहाँ पे खुला, मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग दी, मार्केट ऊपर आया, पर मेरे को उम्मीद थी और ऊपर आएगा, पर यहाँ पे मार्केट ने एक नेगेटिव मूव दिखा दिया और मेरे को लॉस हुआ, तो मैंने फटाफट उसको निकाल लिया। मार्केट में फिर से आपको मैं सिस्टम बता रहा हूँ, जब भी मार्केट अपने हाई के आसपास बंद हो, 3:25 के आसपास देख लें कि मार्केट अपने डे के लो के पास है या हाई के पास है, हाई के पास है और रेजिस्टेंस के पास भी है, तो आपको एक ट्रेड लेनी चाहिए। वैसे ही डाउन ट्रेंड में, जब डाउन ट्रेंड में मार्केट अपने डे के लो पे हो और साथ में एक सपोर्ट के पास हो और सपोर्ट तोड़ दिया है तो सोने पर सुहागा, तो आपको एक ट्रेड लेनी चाहिए पुट साइड BTST में। वैसे ही मैंने यहाँ पे किया था तो मेरे को यहाँ पे लॉस हुआ, ठीक है जी। अब 4 जुलाई को मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाया, पर लास्ट में आके थोड़ा पॉजिटिव मूव दिखाया। मार्केट पूरे दिन कंसोलिडेशन करता रहा कल मंडे को और मार्केट गिरा नहीं, थोड़ा सा प्राइस ऐसे समझिएगा इस, मार्केट गिरा नहीं और ऐसे ही घूमता रहा, मार्केट नीचे नहीं आया। मार्केट ने लास्ट के 1, 2, 3 लास्ट के 3-15 मिनट के कैंडल पे एक अपसाइड मूव दिखाया और चौथी कैंडल ऐसी रही, तो मैंने यहीं पे जब ये कैंडल क्लोज हुई थी मैंने यहीं पे एक ट्रेड ले ली 33,966 पे। 34,000 का एक अच्छा राउंड नंबर है, अच्छा एक रेजिस्टेंस है, साथ में डे का हाई भी है, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ले ली और जहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हुआ यहाँ पे मार्केट खुला और मैंने इसको यहाँ पे सेल आउट कर दिया, बात ख़त्म। मैंने जितना लॉस किया था उतना मेरा प्रॉफिट हुआ। आपको महीने में एक बार तो लॉस होना चाहिए, महीने में आपको एक दो बार तो लॉस होने चाहिए ताकि आप अपने आप को भगवाना समझो और साथ में आपका सिस्टम चलता रहे कि हाँ थोड़ा बहुत लॉस तो होना चाहिए। मैं ये सही बात बता रहा हूँ आपको, अगर आपका 10 के 10 बार प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें थोड़ी दिक्कत पड़ जाती है, 10 में से 3 बार तो लॉस होना चाहिए ताकि आपका दिमाग मेंटली प्रिपेयर रहे, ठीक है। तो ये थी सेटअप और ये मैंने ट्रेड ली थी। मैं आगे भी अपडेट करूँगा जब मेरे को मौका मिलेगा। हम
ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको हर बार ही अपडेट करूँगा, क्योंकि ये मेरी एक तरह से खुद की ट्रेड सिस्टम है। अगर आपको अपने लिए कुछ डेवलप करना है तो आप सीखिए, मेरा चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ही है। जो क्वेरी पूछने क्वेरी पूछिए, व्हाट्सएप पे पूछिए, यूट्यूब पे पूछिए। यूट्यूब पे कमेंट करेंगे तो आपके क्वेश्चन और मेरे आंसर सब देख पाएंगे। व्हाट्सएप पे अगर आपको कोई लंबी प्रॉब्लम है, कोई बड़ा क्वेश्चन है, तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑडियो फॉर्म में कॉल नॉट अवेलेबल, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल करते हैं तो मैं कॉल नहीं उठा पाता, ठीक है। उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, उसके लिए मैं कुछ इंतजाम करूँगा, ठीक है। पर फिलहाल आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप आराम से मुझसे यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, कहीं भी पूछ सकते हैं। मैं केवल और केवल आपके लिए ही हूँ और आपके लिए ही चैनल बनाया है। मेरे को केवल फैमिली जोड़नी है, ना कि मेरे को कोई पेड कॉल्स देनी है या फिर पेड ग्रुप ऐड करना है, ठीक है। फिलहाल मेरे को दीजिए परमिशन ताकि मैं कुछ और आपके लिए वीडियो बना पाऊँ। अपना कीमती समय देने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद गाइस।